तो मैंने स्टॉक के खरीद लिया भैया 20 शेयर एंड यहाँ पे मैंने लगाया 11,000 रुपए, दैट इज मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1%। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर जो है मेरा पैसा 10x से ग्रो करने वाला है आने वाले कुछ अपकमिंग ईयर्स में। बट यहाँ पे पूरा चीजों को सुन लेना, मैं और पैसा इस स्टॉक में लगाने वाला हूँ, किस लेवल में, अच्छे चीजों को डिस्कस करें। नाम थोड़ा सा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाए, पहले ये सुनो भैया कंपनी करती क्या है। FMCG सेक्टर से यहाँ पे जो है मतलब कि फूड एंड बेवरेजेस वाली कंपनी यहाँ पर हो जाती है। बट इसके और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, जैसे कि पर्सनल केयर के रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी एंड मेकअप के रिलेटेड भी है, एंड थोड़ा सा जो है इन्हें शूज कैटेगरी में भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, होम सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस, एंड साथ साथ में पेस्ट कंट्रोल में भी ये कंपनी घुस चुकी है पूरी तरह से। एंड यहाँ पर क्यों मैंने इसी लेवल पर आकर बाय किया इस शेयर को, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल सारा आपको मिलने वाला है वीडियो में, फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मैंने ये स्टॉक क्यों बाय किया, मैं उसका रीजन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए, डिस्क्लेमर मैंने फटाफट से दे दिया है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बस अगर कुछ साल बस सर्वाइव भी करेगी कंपनी, मैं नहीं बोल रहा भैया 2x हो जाए 3x हो जाए, कंपनी बस सर्वाइव भी करेगी आने वाले कुछ सालों तक, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड स्टॉक का प्राइस भी ऑटोमेटिकली आपको 5x 10x भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखो, हाईली यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड में रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री का पी इतना ज़्यादा है एंड स्टॉक का पी भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिला, बट इसका कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जो है ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है भैया आने वाले टाइम में अर्निंग्स इनकी बढ़ने वाली है। यस यू आर इट राइट। अब यहाँ पे आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इससे पहले कि हम आगे जाएं भैया सबसे पहले लाइक वाइक मार दो वीडियो को, आप लोग लाइक वाइक करते नहीं एंड फिर उसके बाद हमें तड़पना पड़ता है आपके लाइक के लिए, जस्ट किडिंग। तो अब आगे चलते हैं, यहां पर जो है पी रेशियो का मैंने यहां पे चार्ट पैटर्न ओपन किया है, यहां पे 3 साल का पी है एंड अपने हाई से एक समय था जब ये भैया 160 150 के आसपास पी हुआ करता था, बट आज फाइनली यहां पर आते-आते काफी डाउन यहां पे वैल्यूएशन इसका आ चुका है एंड इसी वैल्यूएशन के आसपास से इसने बाउंस लिया था, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि भैया छोटा मोटा बाउंस तो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। बट मेरा पर्सनली ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ होल्ड करने का, ये चीज मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम लोग आ जाए, सॉरी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करना पड़ता है मेरे को, बट करना भी जरूरी है। आप फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजु स्टॉकमेंट्स, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहाँ पे आप लोग बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। यहाँ पे देखो KPI लिया था, आज लो 71,000 के मालिक यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है 4,900 रुपये लगाए थे 71,000 से 1453%। फ्री में ये टाइप की चीज़ें मिलती है, फटाफट जाओ चैनल को सर्च करो एंड ज्वाइन कर लो। अभी यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम लोग आ जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया जब यहाँ पर हमें आगे की चीज़ें चेक करनी हो। पहले यहाँ पे सेल चेक करते हुए चलो, आपके सामने सब कुछ है, मैं कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 200 की सेल्स इन्होंने स्टार्ट किया जून 2020 में कोविड के आसपास का एंड आज जो इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 600 के आसपास पहुंच चुकी है। यहाँ पे एक बार नेट प्रॉफिट भी चेक कर लो, 4 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज जो है 16-18 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये चीज भी पहुंच चुकी है, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है ये। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है भैया साल भर की, यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे देखो सेप्टेम्बर 2012 से लेकर हमारे पास डेटा है मार्च 2023 तक, ठीक है सब आपके सामने है। अब यहाँ पे देखो 7 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है बीच में 500 तक आए, अब आते आते इस बार हाईएस्ट एवर सेल्स इनकी आई है, ठीक है जो कि है 2380 करोड़ के आसपास की। अब नेट प्रॉफिट भी एक बार चेक कर लो, माइनस से आते आते प्लस हुआ 23 से आते आते आज जो है 65 करोड़, दैट इज हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर जो जनरेट कर दिया है यहाँ पे हमारी प्यारी सी कंपनी ने। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग नाम को लेकर डिस्क्लोज हो रहे होंगे, भैया नाम बता, अभी बता देंगे टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि फंडामेंटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब आते हैं आगे यहाँ पर होल्डिंग पैटर्न पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर जो है मई 2017 से लेकर हमारे पास डेटा है मार्च 2023 तक का। अब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखो 60 से थोड़ी बड़ी एंड अभी यहाँ पर जो बढ़ती हुई आ चुकी है, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। FIS का आप ज़्यादा डेटा देखोगे तो यस इन्होंने थोड़ा कम किया, 2019 में 9 के आसपास इनका रहता था, बट अभी 6.56% के आसपास आ चुका है, तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा कंसर्न है। DII का आप देखोगे तो यहाँ पे 7 के आसपास हुआ करता था, उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ा कम करा है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे छोटा सा ये कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो गिरावट हो रही थी वो गिरावट ऑलरेडी इस शेयर में आ चुकी है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, अभी टेक्निकल पर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे मैं कहां पर पैसा छपने वाला है। तो अभी टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं भैया कहां पर इसमें बढ़िया पैसा छपेगा एंड कहां कहां कैसे होने वाला है। हाँ एजुकेशन पर्पज के लिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चार्ट पैटर्न ओपन कर दिया, अब यहाँ पर ये देखो 549 मतलब 550 के आसपास चल रहा है,
एक चीज मैंने इस समय क्यों बाय किया है उसका पहले मैं लॉजिक दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्रीन माराबुजू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन माराबुजू, जिसको नहीं पता भैया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल को हम लोग माराबुजू बोलते हैं। एंड हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया भैया, बहुत तगड़े लेवल पे वॉल्यूम आया। अब ये भैया किसी रिटेलर की बाइंग तो है नहीं, ठीक है, इतना सबको समझ में आता है भैया, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ कोई आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। तो किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे माल एड ऑन कर लिया है एंड उसी लेवल के आसपास यहाँ पे चल रहा है, बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे ही आ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो पहली एंट्री मैंने कर लिया है, ठीक है, और एंट्री करने वाला हूँ कहाँ पे, पहले इसका हाई यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भैया। हाई इसने लगाया था यहाँ पे 746, मतलब 750 के आसपास का हाई है, तो हाई से भी नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यूएशन भी गिरे हैं कंपनी के। तो थोड़ा सा एक डिसेंट सा वैल्यूएशन तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ अभी भी महंगा तो है स्टॉक। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर नीचे जाता है 15% अगर नीचे आ जाता है तो वहाँ पर मैं अपनी सेकंड क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। अगर वहां से भी 15% नीचे आ जाता है तो वहां पर मैं अपनी थर्ड क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। तो 10 से 11 हज़ार मैं जो है ऐसे दो बार और लगाने वाला हूँ 15% की डिप पे। ये चीज मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं चार्ट पैटर्न ओपन करूँ भैया, मेरे को अभी तक पता है कि आपने वीडियो को लाइक तो किया नहीं है, तो फटाफट से भैया वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नहीं किया ना, नहीं किया ना, देख लिया मैंने, करो फटाफट से। अब देखो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन किया, ठीक है, 2020 के पहले से थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी चालू हो गई थी। एंड उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, जब भी ऐसे मंथ चार्ट पैटर्न पे ग्रीन माराबुजू बनते हैं तो उसका लो जनरली कट नहीं रहा है एंड वहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही, मार्केट क्या मतलब कि ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। हाँ, स्टॉक का नाम तो हमने डिस्कस नहीं किया भैया, हिंदुस्तान फूड्स, ठीक है, हिंदुस्तान की स्पेलिंग आती होगी HINDUSTAN और स्पेस करके FOODS लिमिटेड, तो ये है स्टॉक का नाम, ठीक है, 550 के आसपास चल रहा है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है एक नया माराबुजू यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, इस टाइप का ग्रीन माराबुजू हमें देखने को मिला है और अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी वॉल्यूम आता है तो ये थोड़ी सी उछाल देता ही देता है, तो अब यहाँ पे अगली लेग शायद ये स्टार्ट कर सकते हैं एंड अगर ये लो इसका बच जाता है तो यहीं से ये पलट जाएगा। बट मैं तो चाहता हूँ कि लो टूटे और ये स्टॉक नीचे को आए एंड मैं इसमें हूँ लॉन्ग टर्म निवेश, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, तो ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल गेन यहाँ पर मेरा जो निकल कर आ रहा है, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भैया इसमें मेरा पैसा आने वाले 4-5-6-7 सालों के अंदर पैसा जो है मेरा 5-10 times यहाँ पर हो सकता है एंड मैं इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पैसा यहाँ पर जो है 50-60% से ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि है ये स्मॉल कैप, स्मॉल कैप अगर सर्वाइव नहीं करती है तो वहाँ पर जो है वैल्यूएशन तो छोड़ो भैया, यहाँ पे प्राइस में अच्छा खासा ड्रॉप डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक कंसर्न इस कंपनी के साथ है, ये चीज़ आपको नोटिस करके चलनी है गाइस, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में रुकते हैं, तब के लिए बाय बाय, विशाल सुशील, चलो बाय बाय।